हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा षष्ठी विषय हिंदी कलांश फर्स्ट वार शनिवार दिनांक 2/92/2020 पाठ है सात साथी यहां पढ़ाना। इसमें कविता है, कविता के कवि हैं शायर साहिर लुधियानवी। कवि साहिर लुधियानवी सारांश के रूप में मैं बता रहा हूं, आपको बता रहे हैं कि साथियों जीवन की हर जिम्मेदारी और मुश्किल का मिलकर सामना करो। अकेला आदमी तो जल्दी थक जाएगा, इसलिए सब मिलकर एक दूसरे का बोझ उठाने में मदद करो। मेहनत कश लोगों ने जब भी मिलकर समस्याओं का सामना किया है तो समुद्र और पर्वत भी उनका रास्ता नहीं रोक पाए हैं। साथियों तुम्हारी भुजाएं इस्पात जैसी मजबूत है, तुम्हारे दिल भी पोलाद की तरह दृढ़ है। तुम चाहो तो चट्टानों में से भी रास्ता बना सकते हो। साथियों हाथ बढ़ाकर एक दूसरे की मदद करो। तुम्हें परिश्रम से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में ही परिश्रम से जीना लिखा है। पहले तुमने विदेशी सुख एक जैसे हैं, पहले तुमने विदेशी शासकों के लिए मेहनत की थी, आज अपने और अपने देश के लिए मेहनत करनी है। हम मेहनत कश लोगों के दुख और सुख एक जैसे हैं, हम सबका लक्ष्य एक ही है और रास्ता भी एक ही है। मेल में बड़ी ताकत है, बूंद से बूंद मिलकर नदी बन जाती है। एक एक कण मिले तो विशाल मैदान बन जाता है। इसलिए साथियों सहयोग के लिए हाथ बढ़ाओ। ये इस कविता का सारांश है। कविता है साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खाते की आज अपने खाते करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जरा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राही बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। ये कविता है, कविता का सारांश मैंने अभी आपको बताया। इस पाठ के अंदर जो प्रश्न आए हैं महत्वपूर्ण, वो आपको समझा देता हूं। पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देखते हो? इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियां आसपास घटती दिखाई देती है। पहला, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, एक तो इस पंक्ति में मिलता है। दूसरा, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, कि इंसान अपनी किस्मत को भी अपने मेहनत के द्वारा बस में कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शायर ने ऐसा क्यों कहा, लिखो। इस प्रश्न का उत्तर है, शायर ने ऐसा मिलजुल कर काम करने की भावना में कितनी ताकत होती है यह दिखाने के लिए कहा है। सबकी मिली हुई शक्ति के सामने सागर और पर्वत जैसी बाधाएं भी नहीं ठहर सकती। तीसरा प्रश्न है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? मेहनत से जीवन बिताने वालों के सीने यानी दिल और बाहें मजबूत होती है, उनके लिए दिल और भुजाएं कभी हार नहीं मानते। पाठ साथ में यही है प्रश्न उत्तर। आपको इस पाठ के शब्दार्थ प्रश्नोत्तर कॉपी में करना है, कविता को याद करना है। धन्यवाद।